This is the web page. You type parallel on your PCs. Side by side, I'll explain. Side by side, you type. Okay. So the title of the web page is Painting Exhibition in India. This is the title of the web page, Painting Exhibition in India. Okay. Now in the instruction, the examiner has not given this point. What is the background color of the web page? So what I have done, I have not given any background color. Please see carefully LCD. I have not given any background color. Jiya, please yahan dekhiye. But I have given V link and A link attribute. There are three attributes which are in connection with the hyperlinks. Link, A link, V link. The default color of link is blue. The default color of A link is red. The default color of V link is purple. V link stands for visited link. A link stands for active link. Okay. अब ये तीनों एट्रीब्यूट बॉडी टैग के एट्रीब्यूट है। बेशक आपको इंस्ट्रक्शंस में बॉडी का बैकग्राउंड नहीं दिया हुआ, पर आपको इसके बारे में नोट दिया हुआ। इंस्ट्रक्शंस में ये गिवन है कि वी लिंक रेड है, ए लिंक ऑरेंज है। कलर ऑफ द विजिटेड लिंक, जो लिंक हम विजिट करेंगे, एक्टिव लिंक जिसपे करंटली क्लिक किया तुमने। नेक्स्ट, जो इंस्ट्रक्शन में कमांड थी, ये हमारी हेडिंग है, हेडिंग ऑफ द पेज, एंड दिस इज ऑन द लेफ्ट साइड, दिस इज ऑन द लेफ्ट साइड। हेडिंग इज इन फॉन्ट कैलिब्री, हेडिंग इज इन रेड कलर। अभी आप टाइपिंग रोको जरा, मैं आपको सिंपल भी बता देता हूं, मैं आपको वाया सीएसएस भी करवा देता हूं, सेम चीज। प्लीज स्टॉप योर टाइपिंग फॉर 5 मिनट्स, जस्ट सी द एलसीडी ऑल ऑफ यू। दिस इज अ सिंपल एचटीएमएल, विवान इधर देखो, बस टाइपिंग रोक लो। दिस इज अ सिंपल एचटीएमएल व्हिच आई हैव शेडेड, फॉन्ट फेस कैलिब्री, फॉन्ट कलर रेड। ओके, अगर यही चीज मुझे सीएसएस में करनी हो इनलाइन स्टाइल में, this is inline style, style equal to double quotes, font family, calibri, color red, font size 30 pixels, CSS में जो कॉमन प्रॉपर्टीज होती हैं बेटे, फॉन्ट फैमिली, कलर, कलर मींस फॉन्ट का कलर, डोंट राइट फॉन्ट कलर, इट इज ओनली कलर। ओके, देन फॉन्ट साइज, अगर बोल्ड करना है तो फॉन्ट वेट, फॉन्ट वेट कोलन बोल्ड, लाइक दिस, फॉन्ट वेट कोलन बोल्ड। अगर इटैलिक करना है, font hyphen style italic, first of all you revise all the common properties which always come, font family, font style, agar italic karna hai font style, agar bold karna hai to font weight, font size, agar text ka color change karna hai to only color property, and this is
the inline style. This is the example of inline style. Okay, one thing clear. यही अगर मुझे इंटरनल स्टाइल करना हो बेटे तो आप क्या करेंगे, टाइटल टैग के बाद यहां पर यू विल टेक द स्टाइल टैग, एट्रीब्यूट इज टाइप इक्वल टू टेक्स्ट ऑब्लिक सीएसएस, फॉन्ट फैमिली Calibri, font size 30 pixels, font weight bold, font style italic, ओके और अगर वो कहे कि सेंट्रली अलाइन करना है तो अलाइनमेंट करने के लिए टेक्स्ट हाइफन अलाइन कोलन सेंटर, राइट, इस तरह लगाते हैं प्रॉपर्टीज, ये आपका इंटरनल स्टाइल है। अब अगर बॉडी का बैकग्राउंड कलर देना चाहते हो तो हेयर यू टेक द बॉडी टैग, इस तरह से, ओके गॉट इट, क्लियर टू एवरीवन? उसके बाद सपोज आपने यही दो फॉर्मेट करने थे, इन्हीं दो पे स्टाइल लगाना था, तो यहां पे स्टाइल टैग बंद करो, यहां पे हेड टैग बंद करो, नीचे जाके आपने सिर्फ ये लिखना है फॉन्ट, whatever properties you have applied on the font same will be applied automatically here, jahan jahan aap font tag use karoge, wherever you will use the font tag the properties given above will be automatically applied, clear? dekho v link aur a link ki koi css property nahi hoti to unko normal likha maine, बाकी बॉडी पर जो भी सीएसएस लगाया है वो यहां से उठा लेगा, क्लियर है? ये आपका इंटरनल स्टाइल है। अगर कोई और टैग को करना है फॉर्मेट तो यहां पे कर दो, टेबल टैग को कर दो फॉर्मेट, हाइट ले लो टेबल की 200, विड्थ ले लो टेबल की 250, टेबल का बैकग्राउंड कलर ले लो, ओके लाइक दिस, हाँ बॉर्डर का भी दे सकते हो, बॉर्डर की विड्थ, बॉर्डर का स्टाइल, बॉर्डर कलर, ओके एंड हियर यू कैन क्लोज द, इस तरह हाँ हाँ जब सारे टैग्स ऐसे फॉर्मेट कर लोगे तो यहां पे स्टाइल टैग बंद कर देना है, यहां पर हेड टैग बंद कर देना, ओके गॉट इट, दिस इज योर इनलाइन स्टाइल जो अभी यहां लगाया था, दैट इज योर एक्सटर्नल, दिस इज योर इंटरनल स्टाइल शीट, क्लियर टू ऑल? अब ये हमने एक इमेज लगाई है, इमेज फर्स्ट ऑफ ऑल इज एन एम्प्टी टैग, ओके इमेज इज एन एम्प्टी टैग,
So image is on the right side of the web page. So paragraph इधर है, image ऐसे है. So first we will place the image. This is image SRC. SRC means source. It contains the complete path, complete location of the image. Then align right, because image is aligned here. So I have taken the align attribute of image. Okay. Then I have taken height and width. Clear to everyone? And don't close the image tag. ये काम मत करना. Don't close the image tag. It is empty. It is empty. All right. Then next we have this paragraph. Now on paragraph, I have set the property attribute align. Then I have taken the inline style. I have given the color blue and size of the font is 30 pixels. Now color of the heading is red. Okay, but color of my rest of the text is blue. So using the paragraph tag, I have created this paragraph. You all please type from here. Type from this portion. Style type equal to text or this. Hurry up, start typing. Be fast. हाँ हाँ थोड़ा चेंज कर लो ना, नो प्रॉब्लम. ईशान यू शुड बी अवेयर अबाउट द प्रॉपर्टीज विच आर कॉमन. Okay, right? So, राइट ये पैराग्राफ है हमारा. प्लीज हरी अप, टाइप द पैराग्राफ फास्ट. हरी अप ऑल ऑफ यू प्लीज टाइप इट फास्ट. सेंटर ये टेबल की प्रॉपर्टीज लगाई है मैंने. यस भानु, व्हाट हैपेंड सर? अगर मैंने 5 लाइंस लिखनी है और सभी में डिफरेंट प्रॉपर्टीज लगानी है, फिर कैसे करना है सीएसएस में? ऑल दी 5 लाइंस सब में डिफरेंट फॉन्ट कलर, डिफरेंट फॉन्ट साइज. देन यू हैव टू टेक इनलाइन स्टाइल फॉर एवरी फॉन्ट टैग फॉर एवरी लाइन. ठीक है सर, इंटरनल से नहीं हो सकता? इंटरनल से देखो, इंटरनल पे आपने ये वाला फॉन्ट लगाया, ठीक है, तो ये इस फॉन्ट टैग पे अप्लाई हो गया ना जो मैंने लिया कॉमन. One thing is there, Bhanu. You can go with the class attribute. Okay, sir. Hanji, are you typing the paragraph?
चलो मैं आपको पहले 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 एक्सप्लेन कर दूं सारा, पहले समझा दूं। तो ये हम अब हेयर व्हाट आई हैव डन, हेयर आई हैव टेकन द इनलाइन स्टाइल, पैराग्राफ पर मैंने जस्टिफाई अलाइनमेंट लगा दिया, देन आई हैव टेकन द इनलाइन स्टाइल, द कलर ऑफ माय टेक्स्ट इन द पैराग्राफ इज ब्लू, द फॉन्ट साइज ऑफ द टेक्स्ट ऑफ पैराग्राफ इज 30 पिक्सल्स, ओके, देन दिस इज माय पैराग्राफ एंड हियर आई क्लोज द पैराग्राफ टैग, ओके। वन थिंग आई वॉन्ट टू टेल यू हियर, इन योर क्वेश्चन पेपर और इन योर बोर्ड पेपर यू मे गेट अ लेंथी पैराग्राफ, you have to write it on the answer sheet, don't cut short the work by saying like this, don't cut short the work, you have to write the lengthy paragraph also whatever has been given, don't cut short the work ki pehle word likh liya jaise first word likha uske baad dash 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 karke last wala word likh diya paragraph ka, ये इसके आपके नंबर कटेंगे, ओके। नाउ नेक्स्ट इज टेबल। अब ये टेबल कैसे है मैं आपको एक बार इसका ब्राउजर भी दिखा दूं ताकि आपको पता लग जाए टेबल कैसा है। ये देखो चेक द टेबल, सी हाउ इंडियन इज रिटन, सी हाउ इंडियन इज रिटन, आई जस्ट इंक्रीज द जूम लेवल, पहली बात तो ये रोज स्पैन है, फाइव सेल स्पैन करके, फाइव रोज स्पैन करके ये मर्ज हुआ है। सेकेंडली आफ्टर एवरी कैरेक्टर ऑफ द वर्ड बियर हैज बीन प्लेस्ड, सी द कोड, ये देखो गॉट इट, any doubt, any queries up till here? Then this cell, ये जो इंडियन है ये इसके साथ connected है, पहली रो का पहला सेल इंडियन है उसके साथ ये connected है, so this is row span by five rows, this is column span across three columns, check it out carefully, check the shaded portion, got it, now after that this is the header part, name, quantity and price, this is the header part, so I have taken this part inside the th, rest are the normal rows, okay, now these normal rows have been created using the td tag, these normal rows have been created using the td tag, and finally I close the table tag, I close the center tag, now see the last message over here,
For more inquiry, click here. Okay? अब ये हाइपरलिंक है और इस हाइपरलिंक के साथ ईमेल कनेक्टेड है inquiry@abc.com. अब यहां पर वो ये कह रहा है दैट विद दिस हाइपरलिंक ईमेल इज कनेक्टेड. सो बट ऑब्वियस वी आर टू अप्लाई द मेल टू हाउ anchor@href=mail2:email id. This email ID will be given to you in the question paper. You will be given the email ID of the recipient that will appear in the two box, which you have to write here. Then make the hyperlink. For more inquiry, click here. Ye hamara hyperlink create ho gaya, and I close the anchor tag. Finally, I close the font and I close the body and close the HTML. Clear? Any doubt, any queries, any questions? हाँ जी प्लीज देखिए. हाँ जी कोई डाउट? ये देखो हाइपरलिंक आ गया. ये मैंने क्लिक किया इसके ऊपर, ये देखो जैसे क्लिक किया एक्टिव हो गया, ऑरेंज हो गया. जैसे क्लिक किया एक्टिव होके ऑरेंज हो गया. गॉट इट? एनी डाउट? हाँ, फॉन्ट स्टाइल इफ यू वांट टू स्पेसिफाई द heading in italic, then take the CSS property font style. Any questions, any doubts? Yeah. Only the header part is in the center. Rest entire table data is in the left side. Have you noticed? Any questions, class? No? Girls, any queries? Yes, Manu, what is your question? Sir, ye Indian vertical mein kaise likha hai, dikhana. Ye dekho idhar. Ye dekho, Manu. After every character put here. Okay. Yes, any doubt, any queries, please. Now you type the coding, hurry up.